रघुनाथपुरा में थर्ड फ्लोर में ऑफिस है, यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया है, तो जहाँ बच्चे फ्री ट्रेनिंग करते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज 3 मंथ का, ग्रेजुएशन कोर्सेज 3 मंथ का, ट्रेनिंग 3 मंथ का, इन बच्चों को हम 3 मंथ की ट्रेनिंग लाते हैं टोटली फ्री। आज तक हमने 450 बच्चे पास आउट करके अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। कहीं बच्चे कुछ जॉब भी कर रहे हैं, कई बच्चों ने अपने घरों में ही टेलिंग का काम शुरू कर दिया है, कुछ बच्चों ने जहाँ पे अपना ब्यूटिशियन कोर्स भी अपना पैरों पे खड़े होकर अपने रोटी रोजी का गुजारा कर रहे हैं। और इसके साथ इस एनजीओ में सभी धर्म के बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चन। जात देते हैं नाम धर्म देते हैं। इन बच्चों को हम ट्रेनिंग के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी देते हैं। मॉरल एजुकेशन के साथ हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, बच्चों को फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। इसके बाद हमने एक बच्चों की एक मन की तमन्ना थी, एक हमने एक प्रोग्राम बनाया दिल्ली दर्शन का। बहुत सारे बच्चों ने, जिन बच्चों ने ट्रेन नहीं देखी, उन बच्चों के लिए हमने ट्रेन का सफ़र कराया दिल्ली दर्शन के लिए। हमारा ये 3 दिन बच्चों को जहाँ से ट्रेन पे फ्री बच्चों को लेके गए, वहाँ हमने दिल्ली दर्शन, सबसे पहले हमने मंदिर का दर्शन कराया, बिरला मंदिर जो दिल्ली में सबसे मशहूर मंदिर है। बच्चों ने सभी मंदिर वहाँ देखे, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, क्योंकि सभी बच्चों ने वहाँ दर्शन किए और बच्चों ने अपना गीत भी गाया बच्चों। इसके साथ बाद हमने कुतुब मीनार दिखाया बच्चों, जो बच्चों ने कभी देखा नहीं था सपनों में, सिर्फ किताबों में या टीवी में वो कुतुब मीनार देखा था, बच्चों ने वहाँ भी उनको हमने विजिट कराया। मैसेज क्या देना था? मैं मैसेज। इसके बाद हमने बच्चों को इंडिया गेट दिखाया, जो बच्चों का एक सपना था इंडिया गेट का, इंडिया गेट बच्चों को दिखाया। इसके बाद हमने जामा मस्जिद भी दिखाई, फिर इसके बाद हमने पार्लियामेंट इन बच्चों को लेके गए, तो सबसे बड़ा मसला जो था बच्चों का एक सपना था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट इन बच्चों को हमने 40 बच्चों को साथ लेके, बाकी हमारे साथ जो मैनेजमेंट के थे उनको भी साथ हमने लिया। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ गौरव गौरव जी थे, विनोद मनास जी भी थे। पार्लियामेंट में बच्चों ने 1 घंटा वहाँ पर जो देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट लगते हैं, कैसे अपोजिशन वाले बैठते हैं, कैसे सरकार बैठती है, क्या मसले होते हैं, 1 घंटे में इन्होंने जो एजुकेशन थी वो इन बच्चों ने देखी। इसके अलावा हमने इन बच्चों को जो हमारा मैसेज है, इसमें हमने अभी एडमिशन भी हमने ओपन रखी है, जो बच्चे नीडी हैं वो जहाँ आए अपने 3 मंथ का कोर्स करें और अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि ये आपको बुलाने का मकसद यह है कि ताकि ये मैसेज दूर दराज सभी लोगों के अंदर पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले यहाँ फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज मिलते हैं, ताकि अपने पैरों पे खड़े हैं। मीनू पाता है, हमने हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया की वजह से जो दिल्ली दर्शन किया है, उसके लिए मैं अबोल सर का थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर दिल्ली में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सब दिखाए गए, स्पेशली जो पार्लियामेंट विजिट था वो हमारे लिए सपने, मतलब सपना सच होने के बराबर था। एंड वहाँ हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिलने का मौका मिला, और दिल्ली के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जैसे इंडिया गेट, बंगला साहिब गुरुद्वारा और इंडिया गेट जैसे रेड फोर्ट है, वो सब देखने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया। अबोल सर का थैंक यू सो मच।